डिजिटल एज में हम शामिल हो चुके हैं और बट स्कोप वास्ट होने के साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो गया है। डिजिटल एज के अंदर उनके पास बड़ा वास्ट स्पेक्ट्रम है, तो अपना स्किल को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट जो है मीडिया स्टडीज, इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। ये मैं अभी आपके स्टूडियो में आऊं तो बहुत ही अच्छा जदीद डिजिटल स्टूडियो है। आप एक सक्सेसफुल अलुमनाई हैं, अब आप इधर आते हैं तो क्या डिफरेंस फील कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी ने इटसेल्फ बहुत ग्रो किया है माशाल्लाह। मैं आपको जो 25 साल पहले की बात बता रहा था, उस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स एनरोलमेंट सिर्फ 3000 थी। मैं आज के स्टूडेंट्स को भी यही कहूंगा कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है और वो मेहनत करें, और शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आईयूबी कम्युनिटी पॉडकास्ट में खुशामदीद, मैं हूं ज़ैन खान। ये पॉडकास्ट डायरेक्टरेट ऑफ कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग रेडियो टीवी एंड फिल्म के स्टूडियो से रिकॉर्ड की जा रही है। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो आईयूबी के ही एक सक्सेसफुल अलुमनाई हैं और यहाँ से उन्होंने तालीम हासिल की और उसके बाद प्रैक्टिकल लाइफ में उन्होंने खास तौर पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और डिविजनल डायरेक्टर DGPR भावलपुर जनाब डॉक्टर नासिर हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। और जो हमारे एस्पायरिंग जर्नलिस्ट्स हैं और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इनसे की गई गुफ्तगू काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। सर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। बहुत शुक्रिया जैन साहब, थैंक यू वेरी मच। सर माशाल्लाह आप यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उसके बाद आपने PPSC में भी बहुत हाई स्कोर किया और माशाल्लाह आप DGPR में एक लंबे अरसे से सर्व कर रहे हैं। काइंडली बताइएगा कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, क्या कंपोनेंट्स होने चाहिए एक ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में, या ख़ासतौर पर जो जर्नलिज्म का स्टूडेंट है उसके हवाले से क्या गाइडलाइन प्रदान करना चाहेंगे? जी जैन, असल में जो जर्नलिज्म है वो शौक के बगैर नहीं होती, बल्कि मैं समझता हूँ कि कोई भी फील्ड जो है या कोई भी काम है, अगर वो आपका शौक है तो उसमें आपको एक्सेल करने का ज़्यादा मौका मिलता है। तो इसी तरह जर्नलिज्म जो है बड़ी वाइब्रेंट और वसी फील्ड है और इसमें बंदे को स्किल के साथ साथ नॉलेजफुल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो जिस ज़माने में यहाँ हमने मास्टर्स किया जी, तो उस वक्त ये डिजिटल मीडिया और जो न्यू मीडियम है वो इतना पॉपुलर नहीं था, बल्कि आया ही नहीं था अभी, बल्कि तब तो अभी टीवी भी इवॉल्व हो रहा था जी। उस वक्त प्राइवेट चैनल्स भी अभी यानी मैं 25 बरस पहले की बात कर रहा हूँ, तो प्राइवेट टीवी चैनल्स भी नहीं थे, एक सिर्फ सरकारी टीवी था और एक सरकारी रेडियो होता था नॉर्मली। बिल्कुल, लेकिन आज का जो स्टूडेंट है उसको फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा मैसर हैं और उसके लिए चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जो आपने बात की कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट था, तो मैं कहूँगा कि शायद ये बात दुरुस्त नहीं होगी। अच्छा। लेकिन मैं मेहनती ज़रूर था और मैं आज के स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगा कि मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है और वो मेहनत करें और शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं होते जी। और स्पेशली जर्नलिज्म की फील्ड में, हाँ जी बिल्कुल, और इसमें यानी कि आपका जो नॉलेज है वो आपको पे बैक करता है। तो हमारे जो उस वक्त असातज़ा थे माशाल्लाह वो वेरी लर्नर्ड पीपल थे जी। तो उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरबियत की, बुक्स पढ़ने का हमें शऊर उजागर किया और अखबारात यानी लिखने से पहले पढ़ने का उन्होंने हमें शऊर दिया, तो वो उसने फिर प्रैक्टिकल फील्ड में हमें बहुत हेल्प दी। सही। अच्छा सर ये बताइएगा कि अब जैसे आपने खुद जिक्र किया कि एक डिजिटल एज में हम शामिल हो चुके हैं और बट स्कोप वास्ट होने के साथ साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो गया है, तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स खासतौर पर बड़े कंफ्यूज भी रहते हैं बाज़ औक़ात करियर को अडॉप्ट करते हुए, तो क्या आपकी सजेशन होगी आजकल के हवाले से बच्चों को किस तरह सिंक्रोनाइज होना चाहिए? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा कि अब जो एरा है वो एंटरप्रेन्योरशिप का है जी। एक तो माजी की या जैसे हम पहले था कि डिग्री कम्प्लीट करके नौकरी तलाश करना है, सरकारी नौकरी तलाश करना है, उसको मज़ीद बाइफरकेट कर लिया जाता था, तो उस सिनेरियो से मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को निकलना चाहिए और डिजिटल एज के अंदर उनके पास बड़ा वास्ट स्पेक्ट्रम है, वो अपना स्किल को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और ई कॉमर्स को भी साथ सीखें। मसलन वो जिस भी फील्ड में जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की या प्रिंट मीडिया की, लेकिन ई कॉमर्स को भी वो सीखें और एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं और इसमें अर्निंग के मौके भी हैं,
बहुत ज़्यादा, और आगे बढ़ने के यूँ समझ लीजिए कि एवेन्यूज़ जो हैं वो पहले की नस्बत बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उस स्किल को सीखें, और खुशकिस्मती से आपके जो डिपार्टमेंट है, हमारा डिपार्टमेंट जो है मीडिया स्टडीज़, इसके अंदर वो तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। ये मैं अभी आपके स्टूडियो में आऊँ तो बहुत ही अच्छा जदीद डिजिटल स्टूडियो है, इसमें स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करें। मतलब हमारे ज़माने में होता था, हम अखबार पब्लिश करने की प्रैक्टिस करते थे, हम मैगज़ीन पब्लिश करने की प्रैक्टिस करते थे, तो अब जो डिजिटल एज है तो उसके मुताबिक एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपके पास लैब, टीवी लैब स्टूडियो मौजूद है, इसी तरह रेडियो स्टेशन आपका अपना अवेलेबल है, तो तमाम चीजें आपके पास मौजूद हैं। स्टूडेंट इसको यूटिलाइज करें। और फिर आपके जो मौजूदा चेयरमैन हैं डॉक्टर शहजाद, ये बड़े ही माशाल्लाह वेल इक्विप्ड हैं। इन्होंने हमारे दौर में भी ये ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग हमें पढ़ाते थे, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, तो नई चीजें इन्होंने खुद भी सीखी उस दौर में, बिल्कुल यंग एज में थे ये। और मुख्तलिफ इन्होंने प्राइवेट जो NGOs हैं और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें हैं उनको उस वक्त डिपार्टमेंट्स में ले किया है। इन्होंने हमें कैमरा की और जो उस वक्त के लेटेस्ट गैजेट थे उसकी तरबियत हमें उस वक्त भी दी। बिल्कुल, यानी कोई उस पर यूँ समझिए कि यूनिवर्सिटी के एक्सपेंडिचर पर नहीं, बल्कि जो नई चीज़ें इवॉल्व हो रही थी उनसे स्टूडेंट्स को उस दौर में भी रूहशनास करवाया इन्होंने। तो प्रैक्टिकल फील्ड में जैसे फिर हम इंटर हुए तो वो चीज़ें हमें बड़े फ़ायदेमंद साबित हुई हमारे लिए। सर, आप एक सक्सेसफुल अलुमनाए हैं, IUB से आपका एक पुराना ताल्लुक है ऑब्वियसली, अब आप इधर आते हैं तो क्या डिफरेंस फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? जी बहुत अच्छा लगता है, और यूनिवर्सिटी ने इटसेल्फ बहुत ग्रो किया है माशाल्लाह। मैं आपको जो 25 साल पहले की बात बता रहा था, उस वक्त यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इनरोलमेंट सिर्फ 3000 थी और सिर्फ मास्टर प्रोग्राम की क्लासेस होती थी या चंद एक में MPhil हो रहा था। अब BS से लेके PhD तक, और फैकल्टी ने भी ग्रो किया, और माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल लिंकेजेस भी डेवलप हुए हैं, और इनरोलमेंट भी इंक्रीज़ हुई, और यूनिवर्सिटी जो है मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं रैंकिंग के उसमें भी बड़ी तेज़ी से ग्रो किया है। तो ये हमारे लिए बायस फ़ख्र है ये बात। सर, आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, क्या पैगाम देना चाहेंगे एज एन एक्सपर्ट? बस पैगाम बिल्कुल मुख्तसर है कि अपने वक्त की कदर कीजिए, और जितना वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर हैं उन तमाम फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज करें, और ख़ुद को नॉलेज और स्किल के साथ एम्पावर करें। बहुत शुक्रिया सर आपकी आमद का और आपके वक्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।